फिरोजाबाद में गोदाम में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। ताजा मामला थाना उत्तर के रोशनगंज पुलिया का बताया जा रहा है, जहां कपड़े की दुकान में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। वहीं फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, जहां कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फिरोजाबाद से संवाददाता राकेश वर्मा की रिपोर्ट। कल मंगलवार का दुकान बंद रही थी, रात को शॉर्ट सर्किट से तकरीबन आग लग गई है। 3 बजे मेरे को खबर मिली थी, आया तो आग में चाल भी दे दिया था, दमकल की गाड़ियाँ भी मौके पर पहुँची थी, उन्होंने आग बुझाई है। नुकसान मेरा बहुत ज़्यादा हो गया है, अनुमान 15 से 20 लाख रुपये मेरा नुकसान हो गया है।